देखिए कितनी पूजा अर्चना के बाद जो है गणपति बप्पा को विदा किया जाता है और अगले वर्ष आने के लिए फिर से उनसे आह्वान किया जाता है। पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, ये बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि आस्था भी बनी रहे और हमारा पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहे। गणेश विसर्जन का उत्सव आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जम्मू में भी इसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ और बड़े ही उत्साह के साथ इसे मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम तवी नदी के पास मौजूद हैं और यहाँ पर जो भक्त हैं वो आज गणेश जी की मूर्ति को यहाँ पर विसर्जन करने आए हैं। और ये त्यौहार जो है 10 दिनों का त्यौहार होता है, चतुर्थी पर ये शुरू हुआ था और आज चतुर्दशी है, इसी के साथ ये समाप्त हुआ है। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान गणेश यानी हिंदू धर्म में सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं और जिन्हें गणेश जी को एक दंत विनायक दुखहर्ता इन कई नामों से इनको जाना भी जाता है और वो बाधाओं का निवारण करने वाले होते हैं। कोई भी जब शुभ कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान जी का नाम लिया जाता है, गणेश जी को याद किया जाता है, उसके बाद कार्य जो हैं शुरू किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी हाथी के चेहरे वाले भगवान गणेश जी का जन्म का प्रतीक है। हर साल गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस आपको जानकारी दे दें कि इसके विसर्जन का उत्सव जो है आखिरी दिन होता है। यहाँ पर लोग गणेश भगवान जी की जो प्रतिमाएं होती हैं उन्हें उनका विसर्जन करते हैं और जम्मू में आज ये उत्सव कई जगहों पर मनाया जा रहा है। जैसे तवी नदी जहाँ पे हम सूर्यपुत्री इस समय जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर लोग इसका विसर्जन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अखनूर में भी दरिया में बड़ी प्रतिमाओं को जो है वहाँ उनका विसर्जन किया जाता है। देखिए कितनी पूजा अर्चना के बाद जो है गणपति बप्पा को विदा किया जाता है और अगले वर्ष आने के लिए फिर से उनसे आह्वान किया जाता है। इसके साथ इस पूरे उत्सव का समापन होता है। आपको जानकारी दे दें कि ये उत्सव पूरे नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जितने भी जो राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा इसे मनाया जाता है और गणेश भगवान जो हैं सबसे उनके प्रतीक हैं, सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं। इस तरह से और भी कई जानी कहानियां जो हैं इस इनके साथ जुड़ी हुई हैं और जिसके साथ इनकी लोगों की अपनी भावनाएं इस पूरे उत्सव के साथ जुड़ी जाती हैं। जो भक्त होते हैं वो अपने अपने तरीक़ों से जो है भगवान गणेश को विदा करते हैं आज के दिन। आज इसलिए आज विसर्जन का दिवस भी होता है क्योंकि आखिरी दिन होता है ये। गणेश चतुर्थी के साथ कई कथाएं जो हैं जुड़ी हैं और एक कथा जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है जिसे ज़्यादा लोग जानते हैं कि एक पौराणिक सूत्रों के द्वारा से पता चलता है कि पार्वती ने अपने शरीर की मैल से यानी गणेश का निर्माण किया था। कहानी कहती है कि गणेश की रचना तब हुई थी जब भगवान शिव कहीं दूर थे, पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी, इसलिए देवी ने गणेश का निर्माण किया और उन्हें पहरे पर रख दिया। गणेश ने अपनी माँ के निर्देश जो उन्हें मिले उनका पालन किया और भगवान शिव को घर में प्रवेश करने से रोक दिया। गणेश और भगवान शिव दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और गणेश द्वारा रोके जाने पर शिव क्रोधित हो गए और गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती क्रोधित हो गई और उन्हें पूरी दुनिया को नष्ट करने की धमकी दे दी। तभी भगवान शिव ने एक का हाथ के बच्चे का सिर जो है गणेश के शरीर पर लगाया और सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी दिन से गणेश चतुर्थी के रूप में इसे मनाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ और भी हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिस तरह से इसके विसर्जन के दौरान जो मूर्तियाँ विसर्जित की जाती हैं उसके साथ अन्य कई तरह की लिफाफे पॉलीथीन बैग जो होते हैं उसमें कई चीज़ें होती हैं वो फेंक दी जाती हैं जिससे ये पूरी पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है और तवी जो कि इतनी पवित्र तवी है हमारे जम्मू की वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषित होती है। इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि आस्था के साथ साथ किसी तरह का भी जो है कोई पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, ये बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि आस्था भी बनी रहे और हमारा पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहे। इसलिए हमारे त्योहारों में ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश की जानी चाहिए कि कभी भी जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और जिस तरह से ये हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जाता है उसे उसी आस्था के साथ मनाया जाना चाहिए।